हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि ओमाइक्रॉन जो है वेरिएंट, ये इंडिया में कितना हिट करेगा। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है जान लेना कि फैक्ट्स क्या होते हैं और ज़बरदस्ती की अफवाहें क्या होती हैं। अपन फैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले यह पता होना ज़रूरी है कि इम्यूनिटी जो होती है वो नेचुरल इन्फेक्शन से फैलती है, और एक इम्यूनिटी होती है जो वैक्सीनेशन से फैलती है। वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी जो रहती है वो नेचुरल इन्फेक्शन से कम इम्यूनिटी रहती है, बट एक इम्यूनिटी रहती है जो कि नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन से दोनों से होती है, ये ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल इन्फेक्शन एंड जस्ट वैक्सीनेशन वाली इम्यूनिटी से। अब कुछ देश ऐसे हैं जिसमें कि बहुत बड़े लेवल पर इन्फेक्शन फैला, जिनमें से एक आता है साउथ अफ्रीका। फिर कुछ देश होते हैं जिनमें काफ़ी मास लेवल पे वैक्सीनेशन, बहुत शानदार वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें से कि एक देश होता है जो कि है इसराइल। फिर कुछ देश ऐसे होते हैं जिनमें कि काफ़ी बड़े लेवल पे इन्फेक्शन भी फैला और उसके बाद काफ़ी बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हुआ। उन चुनिंदा कुछ देशों में आता है भारत। अब भारत में जो सेकेंड वेव, डेल्टा वेव जो हुई थी, उसमें अराउंड 75-80% इन्फेक्शन हुए लोगों को। उसके बाद उतने ही बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, तो उससे जो हाइब्रिड बॉल बनी है इम्यूनिटी की, वह इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वह एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे देश हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर बाई चांस यह ओमाइक्रॉन हिट भी करेगा इंडिया को, तो देखा जाता है कि यह हम लोग की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, बोथ बिकॉज ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन एंड आफ्टर वैक्सीनेशन। तो यह देखा जाता है कि ओमाइक्रॉन अगर हिट भी करेगा तो उसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वह माइल्ड इन्फेक्शन होकर निकल जाएगा। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतनी ही जल्दी यह इन्फेक्शन ख़त्म होगा, और उतनी जल्दी हमारी टॉलरेबिलिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगी, और हम ये जितने भी वेरिएंट आते रहेंगे, जो कि स्वाभाविक सी बात है, कोई भी वायरस के वेरिएंट हर कुछ महीनों में टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, हम सब झेल जाएंगे। तो वी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। थैंक यू।